तकरीबन 110 साल हो गए पुराना मकान है। 110 साल 110 साल जहेज में लड़कियों को क्या क्या देते हैं यहाँ से? जहेज जहेज का रिवाज है ही नहीं यहाँ, इधर रिवाज ही नहीं है। टोटली लकड़ पे ही है इसने, ऐसे इंचा करने से। बाकी इस साइड पर भी एक मकान है। बर्फ ना मौसम जिला शुरू होना है तो तुमने कारोबार बंद हो जाने? बाकी बंद होने, बंद सारे कारोबार, सारे कारोबार। टूरिस्ट को नहीं आने? कोई नहीं आने। क्या हाल है? ठीक हो? क्या हाल है? ठीक हो? क्या क्या इनका बिजनेस है, क्या सिस्टम है? लोग यहाँ पे ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं। चूल्हा तकने सो तो इस शहर पर ना छोटा सा एक बेसन वगैरह लाए। मकान सब एक जैसे नजर आ रहे हैं। किसको बोलते हैं कि ये यहाँ पे तगड़ा है या अमीर है? क्योंकि एक किचन है, खाने खाने बया खाने का टीवी लगे है इतना। इस मकान में कितनी स्टोरियन? इस मकान में तीन स्टोरियन। तीन स्टोरियन तकने सो सीढ़ दौड़ी पुरानी दौड़ी पत्थर ये भी सीढ़ सी भी लाए। ये एक ग्राम है ताऊ पाटना, ठीक है, छोटा सा ग्राम ही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करना सो सारे दोस्त पैम पराठी को सो तो खुशबाज सो अल्लाह ने फजल करना शुरू करना है आज ना विलाग सो तक भी अपना फैमिली यूट्यूब चैनल कश्मीर पैराडाइज ब्यूटी। जैसा कि उस पिछली वीडियो वगैरह तकियान के ताओ बाट पहुँचा सा तो विलाग वगैरह तके ने तो ताओ बाट ने अंदर जरा गाँव है इतने जो मकान लोगों ने जो गलिया ने बच्चे गुजर के जाना पैना है, ठीक है, वो सारे सीन अज ने विलाग भी दसागे, ठीक है। तो चलने तुम्हें इतने लोगों ने मकान दसने तो इन्होंने मकान किस तरीके ने, बाहरों किस तरह ने, अंदरों किस तरह ने, इतना किसी नाल असं गलबात कर गए मकान ने अंदरों विजिट भी करासा कि इन्होंने अंदर किस किस तरह का कम होया, किस तरह की लकड़ इस्तेमाल की है, बाकी कितने साल पुराने मकान इतने चलने तो तुम इतने जे टॉप बार ने अंदर पुराना गाँव है इस ना विजिट कराने इस पर चक्कर ने सो माशाला है मकान बाकी चलने अगे तुम विजिट कराने। जी वर्ज अस इस साइड पर एक गली जा रही है इस महल साइड ग्रां साइड तो डरने डरने जा रहे हैं क्या पता असं विजिट कराने या नहीं क्या सीन होना है। चलो चलने हैं लेकिन है मैं लोगों कुत्ते इतने डेंजर है कि मैं उन्हें डरना। अच्छा बाकी अच्छा करना जनाब सिंह चीज चेक कराने है चीज चेक करो ये सर्दियां ना माल उन्हें इकट्ठा करने सर्दियां ये इन्होंने बेसमेंट है जनाब थी लकड़ियां ये साइड पर इन्होंने माल है अंदर है ओहो छोटा ठीक है ये माल है अंदर है जनाब उसके अंदर ही कोई नहीं ये सब दी मेन चीज टोटल लकड़ इस्तेमाल कीते ने ये टोटल जनाब लकड़ अच्छा इतना बर्फ जी 10 फुट तक बर्फ पैनी है बाकी इतने से लकड़ी नहीं सीढ़ी बनती है वो जी वो पूरी पूरी जो है ना नग पूरा पूरा नग खट चेक करो ना जनाब गेट ही ना है तो कोई जो पूरा पूरा नग लगे है नहीं नहीं महारत तो कोई नहीं जी मार पूरा पूरा नग लाया ने दसो जरा ये पोचा लाया ने मिट्टी ना ये रंग हां ये मिट्टी है वो बच्चा गिर गया उधर ओ हो हो ओ हो ਉਹਨਾਂ ਸਾ ਜਾਣਾ ਸਕਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਸਕਣੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤਕਣੇ ਸੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪਰ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਮੈਂ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਪਤਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਐਲਓਸੀ ਏਰੀਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮਾਰੀ ਲੈ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਜਰਾ ਬਾਰਸ਼ੇ ਪਾਣੀ ਖਲਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਰਸ਼ੇ ਪਾਣੀ ਖਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਸਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਬਾਕੀ ਆ ਤਕਣੇ ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪਰ ਇਹ ਸਗੋਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਕੜ ਜਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨੇ ਸੋ मोर्चा छिपने के लिए जब फायरिंग होती है तो किया जा करने से ये नहीं जा सकते नहीं जा सकते नहीं जा सकते नहीं अभी खत्म हो गया है क्या मोर्चा नहीं इसी तरह है इसके नीचे ही है अच्छा बाकी इतने सो एक कार बाकी चलने हैं सर पे गए एक कार तकने सो ये तकने सो एक मकान बहुत ही पुराना तो इस ना विजिट करने आए भाई इतना मकामी इन्हों गपशप भी लासा तो इन्होंने को पुछने इसने बारे तकने सो अस्सलाम वालेकुम टोटल लगी है इतना मकान बनाने कितना खर्चा आ जाना फैटियां मार गए सीढ़ बनाई जानी सी बाकी इसने ये तहखाना क्या चीज है बकरियां वास्ते अंदर गाय बकरियां गाय अच्छा अच्छा ए तकने सो अंदर
गाय बकरियां इस तरह ने वास्ते बनाए ने टोटल लकड़ तो इसना मैं चलना इतों उपर तीन उपर थोड़ा जहा नज़दीक तुम सारे चक्रा छोड़ना माशाला उस टाइम लोग ए भी काफ़ी मेहनती होने सन तो ऐतकड़ों लकड़ ना संदूक बनाए जाने अच्छा करने से छत पर टोटली लकड़ ठीक है बाकी इस साइड पर अंदर जाने ना रस्ता है इतना इतने भी इन्ना महली मंजिया माल या क्या सिस्टम है ए क्या चीज़ है पहले जरा अंदर कार अंदर जाने ना ये इतना रस्ता सी हाँ पहले कार से अच्छा जी बाकी अच्छा करने से अंदर रहने रही है क्योंकि मकान बंद है तो अंदर जाने का मकसद कौन चलो बंद कर छोड़ो बाकी चलने मजीद अगे ये तक सो तो बारने अंदर इस तरह ने पुराने मकान बहुत ज्यादा ठीक है ऐसी सीढ़ियां तकने सो बाकी भाई ने गप लाने अच्छा भाई चलो असा दसो कि इतना तुसा की क्या क्या मुश्किल है मुश्किल बहुत हैं रोड की मुश्किल हैं अस्पताल की मुश्किल हैं उस तो बाद स्कूल कॉलेज वगैरह की मुश्किल हैं अच्छा बच्चे वगैरह पढ़ने हैं कोई नहीं हाँ पढ़ते हैं बच्चे इंटर तक उस तो अगे जो पढ़ाई करते हो मुजफ्फराबाद मुजफ्फराबाद जाना पैना जी तो मैं दसो कि बर्फ इतना कितने कितने फुट तक बर्फ पैनी है बर्फ इस साल तो ज्यादा बर्फ पई सी अच्छा कितने फुट सी इस साल तकरीबन 6-7 फुट बर्फ सी 6-7 फुट गया सा दरिया है इस साइड पर उसने विजिट करना है इधर बाड़ियां नहीं नानियां इतना ये दसो कि इतना कि फसल होनी है ज्यादा इधर मकई होनी है ज्यादा मकई 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 तो आलू 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 मकई ठीक हो गया आलू बाहर सेल करने या अच्छा अपने 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 वास्ते जी ठीक हो गया बाकी तकने सो बाड़ इतना लगे जितने भी इतना बाड़ सो तकने सो लगे लकड़ लगी है टोटल तो इतना दसो कि सीमेंट सरिया हरिया कोई ना इस्तेमाल करने नहीं थोड़े दो तीन गेस्ट हाउस इस्तेमाल है उसके बाद नहीं अच्छा वो खर्चा ज्यादा पै जाना लेकिन मैं तकिया कि ये मकान बनते है इस तरह के मकान इन्हें पूरा पूरा नग रखे है नग किस तरह एडजस्ट किया मतलब टह पैना नग इस तरह खल नहीं पूरा पूरा नग पत्थर अच्छा पत्थर लाल नजर जी पत्थर अच्छा मतलब फर्स्ट जी स्टोरी होनी है उसे पत्थर लाने जिसा थोड़ी बर्फ पैनी है बाकी बहुत ज्यादा लकड़ इतना कटाई की है फिर भी जंगल जंगल भरे न तो यह मैं दसो कि लकड़ किस तरह खरीदने हो मतलब फुटा के हिसाब से या पूरी पूरी चीड़ एक पूरी पूरी चीड़ है पूरी पूरी चीड़ खरीदने ठीक हो गया बाकी व्यूअर्स तकने से साहब दरिया जाना पे नीचे ये बाढ़ है इधर असें बाकी दोस्त भी विजिट करने पे मस्जिद अगर चलने मस्जिद अगर चलें गपशप होनी है हाँ जी व्यूअर्स मकान बाहरों तक तकन ताऊ बाट ने मकान इन्होंने लोगों ने जो रहन सहन है वह भी तुम्हें दसना चाहिए कि इन्होंने मकान अंदरों किस तरीके ने तैयार किए इन्होंने मकान अंदर क्या क्या चीज़ लाई है तो लकड़ लगी है लेकिन अंदर क्या सिस्टम है असं उस मकान ने अंदर जा रहे हैं जिथे लोग रहने रिहाश है यह मकान है सामने ठीक है इतने लोग रहने ठीक है असं उन्होंने आख्या कि असं मकान विजिट करना चाहते हैं तो एक तुम रूम ने अंदर फैमिली हो जाए तो असं इस तरह विजिट करा तो बाकी चेक करने सो अगर सीढ़ियाँ तो असं शुरुआत करा तो तकने सो लकड़ ने सीढ़ियाँ ऐसा करने सो अंदर चलने अस अंदर बाकी अगर दोस्त चले गए तो बाकी इन्ना है तो को टैरस बनाया इतना बाहर कोई आपू ही महली कम लगे रहने कोई चीज़ बनाने पेन एक ग्रिल बनाने पेन लकड़ नहीं आपू ठीक है टोटल लकड़ नहीं है ग्रिल बननी भी है ये अपने घर वास्ते महली छत पर ला सकनी है कितने बाकी सब छोटे अस सामने काम क्या हाल है ठीक हो क्या हाल है ठीक हो पढ़ाई हो रही है अच्छा ठीक है बाकी तक बहने जगह वगैरह बनाई है खाना शाना इतना बह खाने घर ने सारे अंदर बाकी सर पर दरवाजे जा अगर अंदर चला इन्होंने तकने सो माशाल्लाह ऐ चीज़ चेक करने सो माशाल्लाह इस रूम की क्या आखने हो तुसा अपनी जबान च कमरा हाली कमरा मैं जिसने कालीन वगैरह पियां लाई है कमरा ही है इत्थे वैसे खाना शाना बह खाने या सारी फैमिली बहने वैसे बस सिर्फ हम फैमिली बहने वास्ते अच्छा लेटने वैसे नीचे ही हो हां लेटने खट्टा वगैरह या इस तरह बेड वगैरह नहीं रखे सो बेड नहीं रखे सब नीचे ठीक हो गया माशाल्लाह बाकी ये लाइट वगैरह कोई नहीं तो असि मुकम्मल सही सही घर विजिट करा रहे ऐ चेक करने सो इन्होंने अंदरों सिस्टम है टीवी वगैरह लगे है ठीक है तो इस साइड पर लकड़ ला जी आपू बना लाई है पैलिंग ये आपू इन्ना अपने हाथों ना लेना ये सिस्टम सारा किते है ठीक है इस साइड पर शीशा लगे इस साइड पर घर थले चटाई वगैरह ठीक है तो यह चीज़ चेक करने सो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये अलमारी तो माशाल्लाह सब तो खूबसूरत सब तो अच्छा सीन जरा लवै न इसकी तकने वास्ते तो असं परेशान हाँ कि ये तको कि इस साइड पर इन्ना ये बनाई है अंगीठी टाइप
ठीक है, स्टोव टाइप उपरों इन्ना धुआं बाहर निकलना पाया छत्ता उपरों, तो यह चूल्हा तकने सो तो इस पर इन्हें छोटा जहा एक बेसन वगैरह लाए है जिसे बर्तन वगैरह धोने, इन्होंने हली बर्तन तुम्हें दसा माशाल्लाह यह चेक करने सो, यह तक लो देसकियां डोले तो ठिकरे नहीं आखने नुहाड़े, बाकी यह चेक करने सो माशाल्लाह यह इन्होंने सिस्टम है सारा सैटअप, यह अलमारी जिस तरह असन उधर जदीद अलमारियां असं अजकल चल रही, ठीक है, लेकिन यह जरा स्टाइल है ना यह चेक करने सो, ठीक है, बाकी इतना लाइट कौन नहीं तो तुम अच्छे तरीके इस सर अलमारी देखो इतना गिलास हिलास हर चीज़ रखी है, बाकी सब तो अच्छी चीज़ मैं यह लगी है, तो इस साइड पर तकने सो ना कोई बनाई है जितने खाने शाने बह खाने, क्योंकि एक किचन है तो खाने शाने बह खाने, तो टीवी लगे है इतने, तो सारे जिस तरह असा होना है ड्राइंग रूम जितने अस सारे बह गए खाने शाने भी खाने या टीवी वगैरह तकने तकी वगैरह लगे यह चीज़ तकने सो, इतना कोई ना अपना खाने पीने का चीज़ चाढ़ी है माशाल्लाह, लकड़ियाँ वगैरह जलाइया ने इतना इस साइड पर उपर चेक करने से धुआं इतों बाहर निकलना, ठीक है, वो बाहर छेती छेती बाकी बाहर निकलने, बाकी बाहर चल गया बाकी सीन चेक कराने, इस साइड पर इन्होंने रूम वगैरह तकने सो ये अलग अलग रूम न इस साइड पर चेक करने सो माशाल्लाह, लकड़ लगी है तकरीबन टोटली लकड़ लगी है इस साइड पर, यह दरवाजे तकने टोटली लकड़ है छत्ता पर भी चेक करने सो लकड़ लगी है, ठीक है, बाकी इस साइड पर लाइट कौन नहीं है मुकम्मल से दसा ये स्टोरियाँ कितनी इन्होंने को पुछने असलम, अच्छा इस मकान में कितनी स्टोरियाँ, इस मकान में तीन स्टोरियाँ, तीन स्टोरियाँ, एक नीचे माल मवेशी के लिए, माल मवेशी ऊपर खुद बैठने के लिए, ठीक है, और इसके ऊपर जो हमें घास के लिए माल मवेशी के लिए जमा, अच्छा जो चीज़ें जमा करने हो मसा बर्फे सीजन में वो प्ले स्टोर करने हो, अपना स्टोर भी करने हैं तो अंदर भी स्टोर रखे, अच्छा अंदर भी रखे, अंदर स्टोर रखे अंदर भी जमा करने, ऊपर भी रखते हैं, ठीक है, तो यह चीज़ क्या तैयार करने पे हो, ग्रिल तैयार करने पे, ग्रिल अपने मकान नहीं आपू तैयार करने पे हो, अच्छा सुना ये मसल शोभा ये है कम है ये है या वैसे है ये कि मैं मिस्त्री काम करता हूं, अच्छा अच्छा कोई दुकान वगैरह रखी है, दुकान नहीं बस लोगों ने करा जरा कोई बलासी काम कर ला सो जगह, ठीक है माशाल्लाह ये सारा कुछ कढ़ाई ही है सब आपू करने पे हो, माशाल्लाह यह चीज चेक करने सो जी यह जड़ी इसकी बनाई गई है ना रूटर वगैरह मार गए माशाल्लाह यह चेक करने सो यह अपने घर नहीं आपू ही ग्रिल बनाने पे लकड़ी ना इतों लेकिन लकड़ी से जंगल च लेइए लकड़ी ना तो खरीद के तो एक कटाई आरी वगैरह लाइए इतना या क्या सिस्टम है, आरे मशीन लगी दी है ना, आरे मशीन कटाई करके करेगा, बाकी घर अपनी ये जड़ी इतना ग्रिल आसन जिस तरह यह ग्रिल लगी है यह चेक करने सो यह ग्रिल लगी है इस तरह ना ग्रिल आनी है तो माशाल्लाह लगनी बड़ी खूबसूरत है जिसलै इस साइड पर लाई जासी तो बड़ा प्यारा व्यू जासी, चलो ठीक है बाकी इस साइड पर चेक करने सो माशाल्लाह टोटली लकड़ इतना इस्तेमाल होनी है इस साइड पर खेतियाँ वगैरह खेती बाड़ी भी करने लोग आए इतने बड़े मेहनती लोग हैं बाकी चेक करने सो माशाल्लाह बाकी चलने आ गए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सर बहुत शुक्रिया ठीक है जी बहुत मेहरबानी ठीक है अल्लाह हाफिज़ तो उस घर ने विजिट किया इधर बाहर आ गए तो ये ताऊ बाटना जो ग्राम है वो उसने असा विजिट किया बाकी घर ने विजिट कराया इस साइड तक एक घर है ठीक है कि बहुत पुराने घर न इस साइड पर तकने सो इस साइड पर भी ठीक है यह मकान सो तकने सो अगर थोड़ा जहा क्लोज चेक करा तुसा कि तो तकने सो कितना पुराना नजर आना पे ठीक है छत्ते पर टोटली लकड़ पई है इसने यह सींचा करने सो बाकी इस साइड पर भी एक मकान है टोटली इस तरह ने मकान जड़े न कच्चे उपर चादर पई तो टोटल लकड़ यह सींचा करने सो माशाल्लाह चेक करने सो नीचे मकान से नजर आने से मैं थोड़ी जी ऊंची जगह पर आया यह नीचे चेक करने सो माशाल्लाह कितना खूबसूरत लगने मकान एक ग्राम है ताऊ बाटना ठीक है छोटा जहा ग्रां ही है इतने लोगों ने इस तरह ने मकान तुम नजर आने पसंद मस्जिद अगर चलने मैं थोड़ा जहाँ ऊंचाई पर सी इन्होंने कार दसा तीन तीन चार चार मंजिले कार हैं इतने चेक करने सो इस साइड पर चेक करने सो हाँ जा रहे सर इतने रस्ते छोटे कम लगे न कोई बाड़ वगैरह लाने पे अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक हो अपनी जबान ही गल करो क्या हाल है ठीक हो सही ठीक है ना क्या करने हो अच्छा बाल लगा रहे हो मैं टंडी ने पछेरियाँ आए बाल लाने पे ठीक है उसमें ज्यादा लकड़ इस्तेमाल करने इतना ठीक हो गया ये जरा एक क्या चीज़ है इसकी ये यहाँ पर नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पर मतलब ये माल मवेशी होती है अच्छा मैं निकला पोर्शन है जरा वह उत्थे माल मवेशी तो सो अपना समान समान ये लकड़ी वगैरह सेव की ऐसा करने सो इना ये अपना ये सर्दियों का समान सेव किए इतने ठीक हो गया तो बाकी स्कूल स्कूल पढ़ने हो इतना स्कूल है इतना इधर है लेकिन वो प्राइमरी का तो तुम कुछ जाने हो कितना टाइम लेना है पैदल रोज सवा घंटा पैदल चल के जाते हो
गाड़ी वगैरह नहीं जाती उधर? नहीं जाती, जाती है लेकिन वहाँ पर इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं था। स्कूल की गाड़ी नहीं है, स्कूल के। अच्छा, ज़्यादा खर्चा आ जाता है। ठीक हो, किस क्लास में पढ़ते हो? टेंथ। ठीक है, माशाल्लाह, शुक्रिया। तकने सुबह की चलने हैं शहर पर, ये लकड़ तकने से ना कितनी सेव की है, क्योंकि इतनी लकड़ ये जो त्रै महीने इन्होंने होने बर्फ फैले उसने बच्चे ना की बहुत जरूरत पैनी है। ये आस्ता आस्ता हूँ अपनी लकड़ इकट्ठी करने पे। ठीक है, क्योंकि त्रै महीने ना खर्चा समान शमान जरा ये राखी ने खरीद गया पहले ही। बाकी इतना टोटली मकान इस तरह तकने से सीढ़ियाँ नहीं लगी हैं, ऐसा करने सो कि तकने सो ए जड़ियाँ ने सीढ़ियाँ ये उसलै पुराने दौर बच्चे जरा ना इस तरह सीढ़ियाँ बनाई जाने सन। तकने सो फैटियाँ मारिया कुआड़ी नाल सीढ़ियाँ होनी सन उस टाइम। ठीक है, बाकी ये छत्ता पर तकने सो लकड़ टोटली लकड़ लगी है, इतने बहुत फायदा ला रही लकड़ तो। हाँ जी, वैसे चेक करने सो असा इतना जरा तौबा ने अंदर मकान विजिट किया है, तो बिल्कुल सिंपल ही अंदर मकान, कोई खट्टा कोई बैड शैड कोई चीज़ नहीं। बाहरों सारा सिंपल है, अंदरों सिंपल है। इन्हों लोगों की जिंदगी भी तो कोई है वै, असा कोठियाँ बंगले मार्बल चिप्सा पता नहीं क्या कुछ करने हैं। ठीक है, कमा गया बस मकाना बुला छोड़ने। ठीक है, ये तो को बस नॉर्मल जे मकान बनाए, नॉर्मल जे इन्होंने कपड़े बस जिंदगी गुजार रहे इस साइड पर। बाकी दोस्त वगैरह भी इतने खलते इन्हें लोड़ नहीं दसा ऐसा करने सो मकान टोटली इतना इस तरह के मकान इधर भी चेक करने सो ऐ क्या चीज़ अंदर चलने इस साइड पर। बाकी ऐसा करने सो लकड़ी ना इतना सिस्टम ये जरा मिट्टी ना इस लिंबे आने ऐसा करने सो बारियां बारे शीशे लाए ने, लेकिन ये जरा ये फट्टे लगे इतना इसकी सफेदी ना रंग शंग मारे ने। बाकी इस साइड पर चेक करने सो लोगों जो मकान थल उन्होंने एक तहखाना लाजमी हो सी जितने उन्हें लकड़ वगैरह घा वगैरह सेव किए होना ऐसा करने से पूरी जरा नग एक जरा इन्हें इसी टेक दी है सीढ़ी तकने से लकड़ नहीं। बाकी इतों रस्ता नीचे तू गुजरना चलने। हाँ जी वीवर्स, असं तुसें इस गाँव ने विजिट कराने पे सा, तो बाकी एक भाई यार असं और लभ गए इन्होंने सलाम दा करने हैं, क्यों असं तो अपनी जबान विलाग बनाने पे इन्होंने उर्दू से गल करने हैं। असलम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाकी तो मेरी एक भाई से बातचीत होगी है, आप मुझे ये बताएं कि जो इस गाँव में जो शादियाँ होती हैं वो किस तरीके की होती हैं? सादा तरीके से। बिल्कुल सादा, बिल्कुल सादा। ठीक हो गया, तो बाकी जहेज में लड़कियों को क्या क्या देते हैं यहाँ से? जहेज का रिवाज है ही नहीं यहाँ, इधर रिवाज ही नहीं है। रिवाज ही नहीं है, मतलब लड़की की शादी कर देते हैं उसको कोई फर्नीचर वगैरह या सोना वगैरह नहीं डालते? नहीं डालते, अगर अपनी मर्जी से उसके देना चाहें तो दे सकते हैं। तो वैसे दूल्हे वाला डिमांड नहीं करते? डिमांड नहीं करते, कोई डिमांड बिल्कुल डिमांड नहीं करते। ठीक है, तो जो हक महर वगैरह होता है उसमें कुछ लिखाते हैं क्या क्या सिस्टम? हाँ, हक महर का होता है मतलब लाख हो, दो लाख हो, तीन लाख हो, जो मर्जी लिखा दें। वो दुल्हन वालों की मर्जी से होता है? दुल्हन वालों की मर्जी से होता है। ठीक हो गया, बाकी ये बताएं इस तरह ये भी है कि इलाके का भी है कि जो इलाके वालों कमेटी ने वो रखा है ना, ठीक है, 50,000 तकरीबन रखा है, तकरीबन अकमेर। हाँ, इससे ज़्यादा अगर करना चाहें कोई वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं यहाँ के लोग क्या क्या जॉब करते हैं, क्या क्या इनका बिजनेस है, क्या सिस्टम है? लोग यहाँ पे ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं। अक्सर अभी कुछ लोग फौज में ज़्यादा जाते हैं, फौज में जाते हैं। ठीक है, आप पढ़ाई वगैरह कहाँ से कर रहे हैं सारे? पढ़ाई यहाँ अलमत हमारे साथ गांव में मिडिल स्कूल है। अच्छा, 8वीं तक है अभी। तो अल्लाह तालीम के लिए अब मुजफ्फरबाद जाते हैं? मुजफ्फरबाद जाए, कम ही पढ़ते हैं अभी आगे सिस्टम है। एक कॉलेज है अलमत गांव, आपने देखा होगा, सुना होगा पीछे। हाँ, देखा भी होगा। अलमत गांव में एक हाई स्कूल है, अभी कॉलेज बना है, दो साल हो गए। अच्छा, 12वीं तक है। तो बाकी जो शादी होती है उसमें सिर्फ लड़की को उसके कपड़े वगैरह उसकी ज़रूरत की चीज़ें बस देते हैं और कोई चीज़ नहीं? ना माँ बाप की तरफ से ना उनकी तरफ से? उनकी तरफ से माँ बाप अगर अपनी मर्ज़ी से देना चाहें दे सकते हैं, मैं जितनी उनकी हिम्मत है वो दे सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यहाँ पे अमीर किसको बोलते हैं, उसके पास क्या है समझो? हाँ, मकान सब एक जैसे नज़र आ रहे हैं, किसको बोलते हैं कि ये यहाँ पे तगड़ा है या अमीर है या कोठियाँ बंगले वाले? जैसे हमारे उधर कहते हैं कि जिसका बड़ी कोठी होती है या बड़ा बंगला कहते हैं, बहुत बड़ा अमीर है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है। यहाँ पे तकरीबन बड़ी गाड़ियाँ है ही नहीं किसी के पास, ऐसी अच्छा। बात है, तो बड़ा घर भी नहीं है कोई इस तरह का वो घर भी नहीं है। बस अभी लोगों ने साल दो तीन चार साल हो गए गेस्ट हाउस बनाया। अच्छा, बस वो यही बिजनेस यही है बस, और ये तीन चार दुकानें आपने देखी हैं। ठीक है, बाकी कोई इस तरह सब नॉर्मल है, नॉर्मल एक जैसे ही। ठीक हो गया, बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, हाँ जी व्यूअर्स, इन्होंने भी गल्ला सुनिया उसने, बाकी चलने हैं मजीद अगे इस साइड पर, क्योंकि इतने सारे एक जन, कोई अमीर नहीं इतना, ना ही कोई गरीब है, क्योंकि तकने से लोगों ने घर वगैरह
बिल्कुल इस तरह ने, ठीक है। इस सर ने भी तुम्हें विजिट कराया, बाकी मजीद चलने आ गया इस सर पर रस्ता बाहर निकलना, तो कहना कि रस्ता बाहर निकलना उधर चलने हैं। इस सर पर छोटे खेलने भी न कोई बलोर वगैरह खेलने या कि गेम खेलने पे इसे कोई गेम खेलने पे, बाकी इस सर पर तकना सो ए घर वगैरह। हाँ जी एक केड़ी गेम खेलने हो बांटे से, ये फांटा खेलने की लाइया ने जी, ये क्या स्टिक लाइया ने वैसे कितने नहीं बांटे, अरे खेडो खेडो मैं तक किसा खेलने हो अच्छा करने सो तो बांटे वगैरह खेलने पे, बाकी चलने अस ए मकान तकने सो, ये भी काफ़ी पुराना मकान है, इसकी तुम तकने सो जी लकड़ लगी है इतनी लकड़ असने उधर वह तो लोग उत खट्टा तो बहिया बना बेचन, ठीक है। ये तकने सो माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, ये तकने सो कितने नग लगने मी अंदाजा है भी पंजी चीड़ा लगी इतने पूरिया 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 ऐसा करने सो, बाकी इस पर चलने बाकी ऐसा करने सो इस सर पर भी ये मकान सीढ़ियाँ वगैरह लकड़ वगैरह कट्ठी कीतियां ने ऐ चेक करने सो ए भी एक जुगाड़ है दो फट्टे लागे उपर फटियां जी लागे इतने दुई मंजिल पर जाने वास्ते, ये भी मकान तैयार होना पे इसकी भी टोटल लकड़ लगी है नीचे तक सो बट्टे क्योंकि इतने जो बट्टे लगे इतने इतने तक बर्फ होनी है इस वास्ते थले जो बनाने उसकी बट्टे लाने उपर जो बनाने उसकी लकड़ लाने टोटली तकने सो। हाँ जी व्यूअर्स उम्मीद करने अज की वीडियो पसंद आई उसी असा तो बारना जरा गाँव है लोगों ने मकान वगैरह ने विजिट किया, लोगों ने मकान तके बाहरों भी तके अंदरों भी विजिट किया, माशाल्लाह इन्होंने इस जिंदगी ने बारे च मालूमात दी है कि इन्होंने किस तरह जिंदगी है क्या क्या इन्नी मुश्किल हैं, ठीक है, क्योंकि बर्फे भी इतना मुश्किल ही मुश्किल हैं, ठीक है, जिस तरह असा सारे सौखे हाँ उस तरह का सिस्टम नहीं। तो बाकी उम्मीद करने अज की वीडियो पसंद आई सी, जो तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर दसे, अपना बहुत सारा ख्याल रखे असं दुआ भी याद रखे, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलसा इस तुके अच्छी वीडियो अल्लाह सुनने वाला है।